चुनाव करीब आते ही यूपी की राजनीति करवट लेने लगी है। प्रदेश में सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। प्रियंका गांधी आज लाल लश्कर के साथ लखीमपुर खीरी पहुंची और उन दोनों महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ ब्लॉक प्रमुख चुनाव के समय बदतमीजी हुई थी। मौका देखते हुए प्रियंका गांधी ने महिला वार्ड के पास से फेंके और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ बैठी ये दोनों महिलाएं वही अनिता और ऋतु हैं जिनके साथ 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी। इस मुद्दे की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंजी थी। मुद्दा इतना गर्म हुआ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खेवनहार प्रियंका गांधी खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पाई और पहुँचते ही प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए महिला कार्ड खेल दिया। नामांकन पत्र भरने के लिए गई, आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली। इस नतीजे से मुख्यमंत्री योगी भी गदगद है। वाराणसी दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की थी। लखीमपुर खीरी पहुंची प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा, कहा कि पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई है और सरकार ने इसकी अनदेखी की। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की उनको सस्पेंड कर दिया आपने, बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया, प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है, तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है? यहाँ क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? 8 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ऋतु पर्चा भरने जा रही थी। अनिता उनकी प्रस्तावक थी, लेकिन पर्चा भरने से पहले ही कुछ लोगों ने दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया। ऋतु चुनाव नहीं लड़ पाई और बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का ये दौरा कितना रंग लाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस दौरे ने स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को जिंदा कर दिया है, साथ ही पीड़ित पक्ष की भी इंसाफ की आस जगी है। आपसे क्या हुआ था प्रियंका जी से, क्या बात हुई? मुझे सहानुभूति है कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, आप घबराओ मत। आप कार्रवाई चाहती थी, मुकदमा लिखा गया था? जी लिखा गया था। पूरा आश्वासन दिया है, न्याय दिलाने की पूरी आशा की है, मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा। जब ये तस्वीरें सामने आई थी तब प्रदेश सरकार और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कला बताया था, फिर भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए इलाके के 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। अब जब प्रियंका गांधी गांव पहुंची तो बीजेपी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। सारे पर्यटन जहाँ पे है वहाँ घूमिए, आपको पूरी तरीके से सुरक्षा भी मिली हुई है, उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से सुरक्षित है, महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं हम लोग, इसलिए आपको पूरी सुरक्षा भी मिलेगी, इसलिए सुरक्षा पर प्रश्न मत उठाया कीजिए, क्योंकि यही हमारी सुरक्षा एजेंसियां आपको और आपके परिवार को और सभी लोगों को प्रदेश के सुरक्षा प्रदान कर रही है। लखीमपुर खीरी जाने से पहले प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लखनऊ के हजरतगंज में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 2 घंटे मौन धरना दिया था। अब लखनऊ पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि परमिशन केवल 10 मिनट की ली गई थी। मुकदमे में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है, लेकिन पुलिस ने प्रियंका के अलावा किसी को छोड़ा भी नहीं। प्रियंका गांधी के मुताबिक आवाज उठाने पर उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा है कि पिछले 1.5 सालों में सबसे बुलंद राजनीतिक पार्टी में सबसे बुलंद जो आवाज उठी है वो हमारी पार्टी की। अरे यार समाज की पार्टी समझ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, बाकी पार्टियों ने इतना बोला नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी जंग हारती जा रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद स्थानीय चुनाव में भी पार्टी की हालत बद से बदतर हुई है। यही वजह है कि एक लंबे समय बाद प्रियंका के प्रदेश आने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत है, मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है,
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगे। गेट पर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी की गाड़ी यहां पर मौजूद है। यहां से अब वो सीधे लखनऊ जाएंगी। लखनऊ जाने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगी, अमेठी और रायबरेली के लोगों से बात करेंगी। यानी कांग्रेस पार्टी अब उस सियासी जमीन को तलाश रही है जो उसने खो दिया था। कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेला है, लेकिन हाल के चुनाव के नतीजों को देखते हुए यही लगता है कि कांग्रेस को अभी लंबा सफर तय करना है। फिलहाल बागडोर प्रियंका गांधी के हाथ में है और कार्यकर्ताओं को भी इनके अलावा किसी से आस नहीं। यूपी में इस साल कावड़